समय है, सही समय है। हर देश की विकास यात्रा में एक समय ऐसा आता है जब देश खुद को नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ाता है। नए भारत के सृजन का यह अमृत काल है। यही कोटि कोटि देशवासियों का संकल्प है। मेरे परिवारजनों, विकसित भारत संकल्प यात्रा सैचुरेशन के सरकार के लक्ष्यों को प्राप्त करने का सशक्त माध्यम बनेगी। बीते वर्षों में शुरू ही अनेक योजनाओं का लाभ करोड़ों गरीबों को उनके घर तक पहुंचा है, लेकिन अब हमें सैचुरेशन तक जाता है, पूर्णता तक जाना है। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत भिवानी की कृष्णा कॉलोनी और डीसी कॉलोनी में कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां विधायक घनश्याम शर्राफ ने कॉलोनी वासियों को शपथ दिलाई और सेल्फी प्वाइंट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कटआउट के साथ फोटो खिंचवाई। इसके अलावा यात्रा के दौरान मौके पर ही कई लोगों की समस्याओं का समाधान किया गया। विधायक घनश्याम शर्राफ ने कार्यक्रम में विभिन्न विभागों की ओर से लगाई गई स्टॉल्स का निरीक्षण किया और अपना संदेश देते हुए कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए नागरिकों को उनके घर पर ही सीधा लाभ मिल रहा है। लोग जहां एक तरफ विभिन्न विभागों की ओर से चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी ले रही है, तो वहीं दूसरी ओर परिवार पहचान पत्र, राशन कार्ड, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, आयुष्मान कार्ड, हेल्थ चेक और उज्ज्वला योजना से जुड़ी स्कीमों का मौके पर ही लाभ उठा रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आयोजित किए जा रहे कार्यक्रम बहुत ही कारगर साबित हो रहे हैं। महिलाओं को स्वयं सहायता समूह बनाकर स्वरोजगार अपनाने के बारे में जागरूक किया जा रहा है। विधायक घनश्याम शर्राफ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत एक बार फिर से विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। अब हम लिए आईडी टेक करवा रहा है या कोई अपना पेंशन बनवा रहा है और जो भी काम चिरई योजना के हैं, चाहे आयुष्मान योजना के हैं, वे सारे काम यहाँ पे अच्छी तरह से ठीक किए जा रहे हैं और इसमें लोगों को लाभ भी पहुँच रहा है और जो पहले लाभार्थी हैं उनको भी इस योजना से लाभ मिला है, तभी वे कहते हैं कि हमने ये काम ठीक कर लिया। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में ये भारत विकसित यात्रा संकल्प यात्रा, इसमें सभी लोग आके अपने आप को ये गौरवान्वित भी महसूस करते हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा बराड़ा पहुंची, जहां पूर्व विधायक राजवीर सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने वहां मौजूद सभी लोगों को विकसित भारत के संकल्प की शपथ दिलवाई। इस कैंप में लोगों ने अपनी समस्याओं का समाधान मौके पर ही करवाया और प्रदर्शनी के जरिए सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी भी ली। कार्यक्रम में जो भी नागरिक पहुंच रहे हैं उसकी समस्याओं का निवारण साथ के साथ किया जा रहा है और इस दौरान पूर्व विधायक राजवीर सिंह ने कहा कि विकसित भारत तभी विकसित होगा जब हम सभी विकसित होंगे और इसी की गारंटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाए हैं। इस कैंप में जनता की काफी समस्याओं का समाधान मौके पर ही किया गया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर लगाए गए इन कैंप में लोगों को काफी फायदा हुआ है।
स्वच्छ भारत यात्रा संकल्प के तहत आज ये यात्रा बराड़ा में पहुंची है। बहुत सारे लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। साथ ही हमारे नरेंद्र मोदी जी ने एक संकल्प एक विजन लिया हुआ है कि यह देश विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में खड़ा हो। जो 37 देश हैं उनकी श्रेणी में खड़ा हो। विकसित भारत तभी होगा जब हमारे विकसित राष्ट्र होगा, हमारा देश विकसित होगा। उसी की गारंटी के मोदी जी गारंटी पर सब यहाँ आए हैं। बहुत सारी समस्याओं का समाधान भी हो। आज मोदी जी के विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी आज बराड़ा नगर पालिका में पहुंची है और यहां पर अभी मैं देख रहा हूं काफ़ी संख्या में जो उज्ज्वला सिलेंडर हमने दिए हैं। अभी 32 के करीब यहां पेंशन बन के तैयार होगी। वो 32 पेंशन हमने दी है। ऐसे आयुष्मान कार्ड यहां पर मौके पे ही यहां पर उनके सर्टिफिकेट्स निकाल के दिए हैं और यहाँ पर टेस्ट लोगों के किए जा रहे हैं और एक बढ़िया यहाँ पर जो इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं। मोदी जी ये बेहतरीन योजना है। मोदी की गारंटी की गाड़ी जगाधरी विधानसभा के हर गांव हर वार्ड तक पहुंच रही है। अब ये गाड़ी जगाधरी शहर के वार्ड नंबर 3 में पहुंची जहां वार्ड वासियों ने विकसित भारत संकल्प यात्रा का जोरदार स्वागत किया। इस यात्रा के तहत आयोजित कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की जहां उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार की जनहित से जुड़ी सभी योजनाओं से लोगों को अवगत करवाया। यही नहीं विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को मौके पर ही लाभ दिया गया। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जनसंवाद कर वार्डवासियों की समस्याओं को भी सुना और तत्काल प्रभाव से उनका समाधान किया। इस दौरान मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि सबके सहयोग से विकसित भारत का सपना जरूर साकार होगा, जिसके बाद सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ मिलने पर लाभार्थियों ने सरकार का दिल से आभार जताया। आपको बता दें कि विकसित भारत संकल्प यात्रा से रोजाना लाखों लोग जुड़ रहे हैं और सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। इस यात्रा को लेकर लोगों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। कड़ाके की ठंड के बावजूद भी लोग मोदी की गारंटी से जुड़कर सरकार के प्रति अपना उत्साह दिखा रहे हैं। आवास योजना के तहत सरकार से मुझे 2.5 लाख रुपए की राशि मिली है। मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूँ। मुझे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो पैसे मिले हैं, मेरा मकान अच्छा बन गया है। मैं सरकार की योजना का बहुत धन्यवाद करता हूँ। आयुष्मान कार्ड बनाया हुआ अभी सरकार का बहुत ही धन्यवाद। मैं बेरोजगार था, मैंने मोदी की योजना से रोजगार का लोन लिया, उसके बाद रोजगार कर रहा हूँ और इसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करता हूँ। जो मुझे मेरे कच्ची छत थी वो पक्की हो चुकी है। सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद है। पक्के मकान बन चुके हैं। फतेहाबाद में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता सिरसा लोकसभा क्षेत्र की सांसद सुनीता दुग्गल और विधायक दुड़ाराम ने की। तो वहीं कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की और उन्होंने लोगों से केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की। साथ ही उन्होंने विभिन्न विभागों की ओर से लगाई गई प्रदर्शनी और स्टॉल का अवलोकन किया और स्वास्थ्य विभाग के स्टॉल पर अपने स्वास्थ्य की जांच भी करवाई। इसके अलावा मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने अपने संबोधन में कहा कि सभी नागरिक देश की एकता को सुदृढ़ बनाकर रखें और सभी नागरिक अपना पूर्ण योगदान दें। भारत संकल्प यात्रा के संबंध में आज हम जहाँ पे आए हैं और देश दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बने, विकसित राष्ट्र बने, इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है। आज देश दुनिया का सबसे तेजी से तरक्की करने वाला देश बना है। सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रही है और देश तेजी से तरक्की कर रहा है। हम सब संकल्प भी लेते हैं कि गुलामी की मानसिकता छोड़कर देश में तेजी से तरक्की करे, इसमें हम योगदान डालेंगे और अच्छे नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे और सारी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो लोगों तक पहुंचाई जा रही है ताकि लोग उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा ले सके। हर वर्ग के लिए स्कीमें शुरू की गई हैं, इसका हर जनता को फायदा मिले, इसके लिए मोदी जी की गारंटी की गाड़ी गांव-गांव में हर गांव में पहुंची है और हर वार्ड में पहुंची है ताकि इसकी स्कीमों का फायदा ले, हम सभी इसमें योगदान डाल सके, ऐसा यत्न कर रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत नूह के गांव आकेड़ा में संवाद कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर
नरेंद्र पटेल और पूर्व विधायक जाकिर हुसैन ने शिरकत की। तो वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता नूह के एसडीएम अश्विनी कुमार ने की और इस मौके पर नूह के बीडीपीओ कुलजीत दहिया भी मौजूद रहे। गांव अकेड़ा में इस यात्रा के पहुंचने पर ग्रामवासियों ने फूलमालाओं से भव्य स्वागत किया। पूर्व विधायक जाकिर हुसैन ने सभी ग्रामीणों को विकसित भारत बनाने का संकल्प लेते हुए शपथ दिलाई और संकल्प यात्रा में लगे सभी विभागों के स्टॉलों का अवलोकन भी किया। कार्यक्रम के बाद जाकिर हुसैन ने ड्रोन उड़ाकर ग्रामीणों को कृषि क्षेत्र में इसके फायदों के बारे में विस्तृत जानकारी दी और साथ ही सरकार की उपलब्धियों के बारे में भी लोगों को अवगत करवाया। उन्होंने आकेड़ा गांव के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से चलाई जा रही योजनाओं के बारे में भी बताया। विधानसभा के बड़े गांव आकेड़ा में विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद का आखिरी कार्यक्रम यहां पर हुआ और इस चरण के इस कार्यक्रम का जो अंतिम ये कार्यक्रम आकेड़ा गांव में हुआ बहुत शानदार और बहुत सफल कार्यक्रम रहा। ग्रामवासियों में बहुत उत्साह था और ग्रामवासियों ने बार बार धन्यवाद किया है आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय श्री मनोहर लाल जी का, क्योंकि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो ये एक नई सोच के तहत भारत विकसित संकल्प यात्रा जो निकाली है इससे लोगों में जागरूकता भी आई है सरकारी जो लाभ की स्कीमें हैं उनके बारे में और लोगों की जो कोई कठिनाइयां थी वो भी दूर हुई हैं। इसके लिए हम भी पूरे जिला नूह की तरफ से और पूरे इलाका मेवात की तरफ से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी का धन्यवाद करते हैं कि उनके नेतृत्व में आज मेवात शानदार तरक्की कर रहा है और आने वाले समय में मेवात क्षेत्र इस देश के अग्रणी क्षेत्रों में होगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा रतिया विधानसभा क्षेत्र के गांव के बाद अब शहर में पहुंची, जहां एक मेला लगाया गया जिसमें सभी विभागों के स्टॉल लगे और लोगों ने अपनी समस्याओं का समाधान करवाया। इस मौके पर इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक लक्ष्मण दास नापा ने विशेष रूप से शिरकत की। तो वहीं उनके साथ बीजेपी के जिला अध्यक्ष बलदेव ग्रोहा भी मौजूद रहे। यात्रा के दौरान लोगों ने कहा कि ये यात्रा हर तरह से मददगार हो सकती है। तो वहीं विधायक ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि शहर में 30 ऐसे लोग हैं कि जिनकी बुढ़ापा पेंशन लगी है, जो दफ्तरों के चक्कर काट चुके थे। मोदी की रोजगार गारंटी वाली गाड़ी अब शहर में कई दिन विकास कार्यों को गति प्रदान करेगी और लोगों को एक ही छत के नीचे सभी कार्य करवाने का मौका मिला है। विकसित भारत संकल्प यात्रा आज रतिया शहर में पहुंची और आज ही शहरों की जो यात्राएं शुरू हुई और सबसे पहला प्रोग्राम रतिया में हुआ है और आप देख रहे हैं कि अभी ये बता रहे थे पेंशन रिफंड, 30 पेंशन आज ही लगी हैं। उन लोगों को पता ही नहीं था कि तुम्हारी पेंशन लगी हुई है, तो देखो कि पूरा उत्साह है लोगों में और माननीय मोदी जी ने आज सारे देश को संबोधित किया है और कहा है कि जो मोदी की गारंटी है वो लोगों की पहली बार लोगों के पास पहुंच रही है, जो मोदी की गारंटी की यात्रा है और उसमें बहुत सारा लाभ लोगों को मिल रहा है। इसका लोगों को बहुत ज़्यादा लाभ मिल रहा है जी, जैसे अपने गैस सिलेंडर हैं वो भी दिए गए और कम से 30 पेंशन अब नमी लग चुकी हैं अब तक और अभी चल रहा है काम और स्वास्थ्य वाले भी काफ़ी मतलब सारे काम अच्छे होने हैं और लोग पूरे खुश हैं। जिस तरह की पहले लोगों को दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे थे अब एक ही जगह पे सारे काम हो रहे हैं। जी बिल्कुल, एक ही जगह पे सारे काम हो रहे हैं और लोग इससे खुश भी हैं। अभी अभी हम बड़ी खुशी हो रही है कि 30 पेंशनें आज लगी हैं, उसमें अब बाकी उसमें प्रधानमंत्री वाले जो काम थे जो पेंडिंग थे अभी मेरी 5-4 लोगों से चर्चा हुई है, सभी लोग खुश हैं। पेंशन वास्ते जी लगी पेंशन? हाँ जी लगी जी, आज खुश हैं। हाँ जी, सरकार का ये जो प्रयास है आपकी पेंशन खुद यहाँ पे लगाई है? हाँ जी। किस तरह मानते हैं इसको? बहुत बढ़िया जी, उसी पेंशन लगी वधिया लग सरकार दे प्रयास सरकार दे वधिया लग गई। मनोहर लाल, हाँ मनोहर जी ये बताएं आज आप जो को ये पत्र सौंपा गया विधायक द्वारा क्या इसमें? बहुत बढ़िया जी, पेंशन लगी है और 60 साल हो चुके हैं मुझे, पेंशन बहुत बढ़िया है, बहुत बड़ी बढ़िया सरकार है। नूह में प्रधानमंत्री मोदी के अनुसार
विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व विधायक चौधरी जाकिर हुसैन और एसडीएम अश्विनी कुमार ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। गांव संकेल में पहुंचने पर ग्रामवासियों ने मुख्य अतिथि चौधरी जाकिर हुसैन का फूलमालाओं और गुलदस्ता भेंट कर भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर जाकिर हुसैन ने उपस्थिति में सभी गणमान्य और गांव वासियों को विकसित भारत बनाने का संकल्प लेते हुए शपथ दिलाई। साथ ही यात्रा में लगी सभी विभागों के स्टॉलों का अवलोकन भी किया और इस अवसर पर चौधरी जाकिर हुसैन ने ग्रामवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत देश ने तरक्की और विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है, जिससे देश लगातार तेजी से तरक्की कर रहा है।